तो एमपी बोर्ड के प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे क्लास आपका 8वीं का विषय हिंदी का, देखिए मेरे पास आ चुका है 29 मार्च का आपका हिंदी का 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और छात्रों, यदि आपने ये पूरा पेपर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप एक भी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल फेल होने की बात क्या, टॉपर बनेंगे भाई साहब, टॉपर बनेंगे। तो 29 मार्च के हिंदी का पेपर आ चुका है, समय 3 घंटा होगा। देखिए वार्षिक मूल्यांकन प्रश्नपत्र 2022-23 का पेपर और कक्षा 8वीं का यहाँ पे पूरा पेपर आ चुका है। 60 आपके यहाँ पे देखिए क्या है मार्क रहेगा, 24 क्वेश्चन होंगे, फटाफट पूरा आंसर देंगे। और यदि आप ये पूरा पेपर देखते हैं तो यकीन करो छात्रों, आप यहाँ पे गर्दा उड़ाओगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। और देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, ये आपका वायरल पेपर है। यहाँ पे आपका सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होना, तो हर एक बच्चे को यहाँ पे इन क्वेश्चन को रेडी करना है। देखिए मैं आपको मात्र यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर बताऊंगा, बाकी आपके आंसर आने वाले आगे के वीडियो में बताए जाएंगे। तो फटाफट आपको देखना है और एक एक क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। पहला आपको दिया है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है, तो उसको उत्तर आएगा विद्यार्थियों आर्यभट्ट। दूसरा है जिस रथ से विजय होगी उस रथ का सारथी है, इसको उत्तर आएगा ईस भजनु। तीसरा है जड़ी बूटी शब्द में समास है, तो जड़ी बूटी शब्द में कौन सा समास है विद्यार्थियों, द्वंद समास है। अगला है आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है, तो आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है विद्यार्थियों, वेद है। इसको अगला है गांधी जी के माता पिता धनी थे, इसको उत्तर आएगा अपनी बात के। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला आपको दिया है महेश्वर, रिक्त स्थान नदी के किनारे बसा है, इसको उत्तर आएगा नर्मदा। दूसरा है घूमड़ घूमड़ गिर, या रिक्त स्थान गगन में भरते गर्जन, इसको उत्तर आएगा आय बादल। इसके बाद देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें 4 रिक्त स्थान होते हैं, इसको उत्तर आएगा चरण। चौथा है गुप्त वंश का राज्य काल भारतीय इतिहास में रिक्त स्थान के नाम से विख्यात है, इसको उत्तर आएगा स्वर्णयुग। तो यहाँ पर हमने आपको ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर यहाँ पर आपको दिखा दिए है ना। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए आपको अति लघुत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, 18 अंक यहाँ पर रहने वाले है। तो उसका देखिए पहला आपको दिया गया है गीता में कुल कितने श्लोक है, तो देखिए विद्यार्थियों अब यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनको उत्तर आपको जो है अपने प्रश्न बैंक या फिर आपको अपने नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको तब भी नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो पर कम से कम आपको 200 लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवा देना है। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में, तो आपको जो है इसके सभी उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले पूरा पेपर यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है गीता में कुल कितने श्लोक है, दूसरा है रैदास के प्रभु यदि चंदन है। मेरे दोस्तों अगर आप भी एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं व 7वीं के पेपर और सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको हिंदी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी की पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसमें आपको काफी सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दी जाएगा, आईएमपी स्टडी मटेरियल, ऐसे मॉडल पेपर आपको दी जाएंगे जिनके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में 80% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। और इसमें आप एक कोर्स खरीदने पर आपको 2 कोर्स फ्री में मिल जाते हैं। ऑफर के कारण इसकी फीस रखी गई है मात्र 49 रुपए, और यह ऑफर है केवल 20 मार्च तक, बाद में इसकी फीस कर दी जाएगी 500 रुपए। तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक, प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर लेने की लिंक, और प्राइवेट चैनल को आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हो, तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो जाइए फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करिए और पीडीएफ का आनंद लीजिए और परीक्षा में टॉप करिए। तो रैदास किसके प्रतीक है, यही का यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तीसरा है उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। पांचवा आपको दिया है निम्नलिखित छंद में मात्रा को चिन्ह तथा मात्रा गिनकर छंद का नाम लिखिए। रावणु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण बहुआ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा,
बंदी चरण के सहित स्नेहा। अगला है बैठ कर खड़े होकर पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले एक एक आसन का नाम लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न चार में आपको जो देखिए जो है लघुत्तरी प्रश्न आपको दिया है। आ नंबर का प्रश्न है रेड क्रॉस के लोग क्या क्या कार्य करते हैं। बा नंबर का पहला प्रश्न है संगीत की महिमा अनंत है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय लिखिए। दूसरा है इसका हृदय भर आना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सात नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही दुख के बाद सुख मिलता है। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, दुख सुख अस्थायी है, अतः दुख में अधिक परेशान नहीं होना चाहिए तथा सुख में उन्माद नहीं करना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है जीवन में स्थायी क्या है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर इसके तीसरे पेज की ओर। तीसरे पेज की ओर हम बढ़ रहे हैं तो ये देखिए विद्यार्थियों इसका प्रश्न पांचवा आपको दिया है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका दवा है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है। पांच पांच नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न छठवां में दिया है महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है। इसका दवा है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह से लोगों को समझाया। प्रश्न सातवां में दिया है प्राणायाम से होने वाले लाभ लिखिए। इसी का अगला क्वेश्चन है गांधी जी प्रार्थना करना क्यों आवश्यक मानते थे। प्रश्न आठवां में यहाँ पर दिया है आपके पिताजी का स्थानांतरण इंदौर शहर में हो गया है, आपको उनके साथ रहकर पढ़ना है, अतः इस बाबत स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसी का अगला क्वेश्चन आपको दिया है अपने अध्ययन की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। प्रश्न नौवां आपको दिया है ये सात अंक का प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दिखा है आपको आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को वार देती है, आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाला बहुत थोड़े है, पर यह थोड़े से मनुष्य ही है जो संसार को हिला देते हैं, अपनी एकाग्रता में जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रश्न दसवां में दिया है सात नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे, कौन देव वराय वीरद हित, हटी हटी उदम अधम उधारे, खग मृग व्याध पपान विटप, जड़ जयन कवन सुरतारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। इसका अगला क्वेश्चन हमें दिया है रण भरो सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कही। अब यहाँ पर इसका देखिए प्रश्न ग्यारहवा को दिया है सात अंक का प्रश्न है याचक और दाता अथवा अपना स्वरूप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। एक एक प्रश्न को विद्यार्थी रट लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न बारहवा में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है लगभग 150 शब्दों में। पहला स्वच्छ भारत, दूसरा खेलों का महत्व, तीसरा मेरी साला ऐसी हो, चौथा मेरा गांव। तो देखिए विद्यार्थियों हमने आपको जो है पूरा पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है।